हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 यानी फंक्शंस के एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो बच्चों, जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है कि प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, गिवन क्या प्रूव करना है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ आर टू आर, फंक्शन जो डिफाइंड है वो आर टू आर है, सच दैट एफ एक्स इक्वल टू, दिस इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। हम लोग को इसको प्रूव करना है कि ये फंक्शन जो है ना ही तो 1 1 है ना तो ऑन टू है। क्या प्रूव करना है बच्चों? टू प्रूव करना है एफ आर टू आर एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, ना ही तो ये 1 1 फंक्शन है ना ही ये ऑन टू फंक्शन है। क्या प्रूव करना है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ना 1 1 है ना ऑन टू है। ठीक है बच्चों, तो कैसे सॉल्व होगा देखो। सबसे पहले हम लोग बात करें 1 1 का कि ये फंक्शन 1 1 होगा या नहीं होगा। प्रूव करना है हम लोग को, क्या प्रूव करना है कि फंक्शन 1 1 भी नहीं है ना ऑन टू है। चलो बच्चों चेक करते हैं, जो फंक्शन गिवन है वो कैसा फंक्शन है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। कैसा फंक्शन है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है बच्चों, तो अगर हम देख रहे हैं यहां पर कि एफ एक्स जो है वो बॉक्स ऑफ एक्स है और x belongs to any real number, मतलब x का वैल्यू कोई रियल नंबर ले सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के डेफिनेशन से, ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो आउटपुट होगा वो हमेशा इंटीजर होगा। हमेशा क्या होगा? इंटीजर होगा। यानी कहने का मतलब बच्चों, अगर हम पुट करते हैं x इक्वल टू 1 तो एफ 1 जो आएगा वो क्या आएगा? एफ 1, मतलब x की जगह 1 रखा तो ये एफ 1 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बच्चों 1 होता है। अगर हम पुट करें x की जगह पर 1.2 तो एफ 1.2 यानी बॉक्स के अंदर 1.2 आएगा और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन बच्चों 1.2 का जो आउटपुट होगा वो फिर से 1 होगा। इसी तरह से बच्चों, अगर x का वैल्यू 1.3 रखते हो तो एफ 1.3 जो आएगा वो क्या आएगा बच्चों? f 1.3 भी क्या आएगा? 1 ही आएगा। तो आप क्या देख रहे हो? आप एक चीज देख रहे हो कि यहां x का अगर मैं अलग अलग वैल्यू ले रहा हूं तो अलग अलग x के वैल्यू पे सेम आउटपुट आ रहा है। यानी अगर मैं एरो डायग्राम से समझाऊं आपको तो इधर r हो गया और इधर भी r हो गया बच्चों, लेकिन यहां पर देखो यहां बहुत सारे एलिमेंट होंगे, बहुत सारा एक्स का वैल्यू होगा, लेकिन उसमें से मैं केवल 1 लिखा, 1.2 लिखा, 1.3 लिखा। ठीक है, और इन सभी का यहां भी बहुत सारा होगा, इसमें से एक 1 है, तो इन सभी का जो आउटपुट है 1 का भी 1 ही है, देख सकते हो आप। 1.2 का भी क्या आया बच्चों? 1 आया। 1.3 का भी क्या आया? 1 आया। और ये फंक्शन डिफाइंड है आर टू आर। तो आप एरो डायग्राम से भी समझो कि बहुत सारे वैल्यू का जो आउटपुट है वो एक ही है, तो ये फंक्शन 1 1 नहीं होगा। क्योंकि बच्चों 1 1 फंक्शन में क्या होता है? अलग अलग इनपुट का अलग अलग आउटपुट होता है। तो यहां पर आप क्या देख रहे हो कि ये आर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ डोमेन, आ तो डिफरेंट एलिमेंट ऐसे लिख दें, डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ डोमेन। डोमेन मतलब एक्स का वैल्यू, अलग अलग एक्स के वैल्यू के लिए different elements of domain has same image in codomain. So fx equal to greatest integer of x, x belongs to real number is not 1 1. ये function 1 1 नहीं है, पहला चीज बच्चों प्रूव हो गया। फर्स्ट चीज ये प्रूव हो गया कि फंक्शन ये 1 1 नहीं है, ये चीज तो प्रूव हो गया बच्चों। ठीक है,
अब आपको प्रूव करना है कि फंक्शन ऑन टू है या नहीं है। सेकेंड पार्ट, ऑन टू है या नहीं है बच्चों, ऑन टू फंक्शन। तो सिंपल सी बात है कि यहां जो फंक्शन गिवन है एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी कहने का मतलब इस फंक्शन का जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर है। और बच्चों हम लोग जानते हैं, वी नो दैट रेंज ऑफ एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज सेट ऑफ इंटीजर। आप लोग को पता है, सभी लोगों को पता है आप लोगों को, कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का जो रेंज होता है वो सेट ऑफ इंटीजर होता है, केवल इंटीजर आउटपुट देता है। यानी कहने का मतलब रेंज जो हुआ इसका वो आई हो गया, और आई मतलब आप समझ रहे हो बच्चों कि सारे इंटीजर जैसे -3 -2 -1 0 1 2 वगैरह सब, तो रेंज हो गया इस टाइप का इंटीजर। जबकि हमारा जो कोडोमेन है, कोडोमेन वो सेट ऑफ रियल नंबर है, आर है। कोडोमेन क्या है? कोडोमेन है बच्चों वो सेट ऑफ रियल नंबर। तो आप लोग जानते हो कि इंटीजर और सेट ऑफ रियल नंबर कभी भी इक्वल नहीं हो सकता। सेट ऑफ इंटीजर और रियल नंबर कभी भी इक्वल नहीं हो सकता, ये दोनों कभी इक्वल नहीं होगा। और रेंज और कोडोमेन अगर इक्वल नहीं होगा तो वो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। यानी कहने का मतलब बच्चों, आप इधर कॉपी कर लेना, मैं इधर साफ कर रहा हूं। रियलिटी क्या है, यहां पर क्या हुआ कि सेंस जो रेंज है, यहां जो रेंज है बच्चों, ये रेंज जो है वो सबसेट है कोडोमेन का, यानी दोनों इक्वल नहीं है। इंटीजर भाई, इंटीजर सबसेट होता है रियल नंबर का, तो रेंज अगर सबसेट है कोडोमेन का तो फंक्शन हैंस एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर इज नॉट ऑन टू, ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। तो इस तरह से हमारा एक प्रूफ यहां हो गया, 1-1 नहीं हुआ, 1-2 नहीं हुआ, और इसी तरह से 1-1 नहीं हुआ। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो प्रूफ हो गया है। ठीक है बच्चों, इसको हम ग्राफिकल मेथड से भी चेक कर सकते थे 1-1 और ऑन टू, लेकिन स्कूल के एग्जाम में हमें ग्राफिकल मेथड से सॉल्व नहीं करना, इसलिए मैंने इस टाइप से बताया आपको। अब हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कैसे सॉल्व होगा। आप लोग को 2-3 दिन का टाइम दिया था ताकि आप सॉल्व कर लो, तो देख लो आप अपना जो सॉल्यूशन है उसको मिला सकते हो कि सही है या नहीं है, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों इसी तरह से दिया है कि इसको प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? टू प्रूव, क्वेश्चन नंबर 4 प्रूव करना है बच्चों, टू प्रूव फंक्शन एफ आर टू आर, अगेन आर टू आर है, गिवन बाय आर टू आर एफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स इज नाइदर 1-1 नॉर ऑन टू। अगेन सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस फंक्शन चेंज हुआ है। बोल रहा है बच्चों कि ये जो फंक्शन है ये ना तो 1-1 फंक्शन है ना तो ऑन टू फंक्शन है, नाइदर 1-1 नॉर ऑन टू। तो अगर बच्चों आप लोगों को थोड़ा सा पता हो को मोड एक्स को, अगर मोड को हम लोग इसको रीडिफाइन करें, मोडलेस फंक्शन को अगर रीडिफाइन करें, तो आपको पता है कि मोड के अंदर जो फंक्शन है अगर वो पॉजिटिव रहा, मतलब ग्रेटर देन जीरो, तो ये डायरेक्ट बाहर निकलता है, मतलब एक्स है तो एक्स बाहर निकलेगा। अगर इक्वल टू जीरो है तो जीरो आएगा, मतलब एक्स की जगह जीरो लिख दो। और अगर एक्स का वैल्यू नेगेटिव है, मतलब अंदर जो फंक्शन है वो अगर नेगेटिव है, तो ये बाहर निकलेगा तो माइनस के साथ निकलेगा। ठीक है, ये चीज आप लोगों को पहले से पता होना चाहिए। सारा चीज जितना भी आप लोग पढ़ रहे हो ना, ये जो 1-1, 1-2 टाइप्स ऑफ फंक्शन जो पढ़ा है 12th क्लास में आप लोगों को पढ़ाया गया है, ये सारे का लिंकेज जो है वो 11th क्लास के पोर्शन से है। तो मैं अगेन ये बता रहा हूं कि बच्चों मैथमेटिक्स में बिना सिक्वेंस का आप चल नहीं सकते हो, मतलब मैथ्स जो आगे का आगे समझ में नहीं आएगा जब तक आप पीछे की चीजें नहीं जानते हो। और ऐसा हर एक सब्जेक्ट में होता है, बट हर एक सब्जेक्ट में थोड़ा कम होता है, लेकिन मैथ्स में तो बहुत ज्यादा होता है ना।
तो अगर आप फंक्शन पढ़ रहे हो तो 11th का फंक्शन आना चाहिए, ये 11th में हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए बच्चों, हम लोग को प्रूव करना है कि ये फंक्शन जो मोड एक्स है वो ना तो 1-1 है ना ही ऑन 2 है। सबसे पहली बात अपन देखते हैं 1-1 है या नहीं, 1-1 प्रूव करते हैं कि 1-1 नहीं है। हम लोग प्रूव करते हैं कि ये फंक्शन जो है 1-1 नहीं है। ठीक है बच्चों, तो फंक्शन हमें दिया है fx इक्वल टू मोड एक्स और एक्स बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, मतलब हम एक्स का वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं। तो आप एक चीज देखो बच्चों, सिंपल सी बात है, एक्स का वैल्यू अगर मान लीजिए कि मैं 1.5 रखा, तो एफ 1.5 मतलब एफ 1.5 मोड के अंदर रखा 1.5, कितना आएगा बच्चों 1.5 ही आएगा। आप लोग जानते हो कि मोड के अंदर 3 का कहेंगे तो 3 निकलेगा, लेकिन माइनस 3 का कहेंगे तब भी प्लस 3 ही आएगा, मतलब आउटपुट हमेशा प्लस में ही आता है। अब x की जगह माइनस 1.5 रख दूं बच्चों, तो देखो माइनस 1.5 का भी वैल्यू मॉड के अंदर, ये x के जगह माइनस 1.5, तो मॉड में हमेशा क्या आता है, एब्सोल्यूट वैल्यू देता है, तो माइनस का भी क्या दिया, प्लस दे दिया। तो आप एक चीज देखो, यहाँ x का डिफरेंट वैल्यू है लेकिन उसका आउटपुट सेम है, x का डिफरेंट वैल्यू आउटपुट सेम, यानी कहने का मतलब अगर मैं एरो डायग्राम से समझा दूं, इधर रियल नंबर और डोमेन भी रियल है, कोडोमेन भी रियल है, फंक्शन एफ टू एफ, आप लोगों को पता है इसमें बहुत सारे रियल नंबर इनफाइनाइट नंबर्स आएंगे, उसमें से मैंने दो को लिया है केवल 1.5 और माइनस 1.5, और ये दोनों जो आउटपुट दे रहा है ना वो 1.5 ही दे रहा है, मतलब इस तरह से मिलेगा। तो ये देखो मैनी टू वन हो गया, मतलब दो अलग एलिमेंट डोमेन के, दो अलग एलिमेंट का इमेज जो है कोडोमेन में वो एक ही है, मतलब मैनी टू वन हो गया, यानी कहने का मतलब 1-1 नहीं हुआ, 1-1 नहीं हुआ। तो यहां पर आप क्या देख रहे हो, हियर डिफरेंट, ऐसा लिखना पड़ेगा लैंग्वेज फिर से, डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ डोमेन, डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ डोमेन हैव सेम इमेज, या तो सेम रिलेशन भी लिख सकते हो, सेम रिलेशन भी लिख सकते हो, इमेज लिख सकते हो, सेम इमेज इन कोडोमेन, इन कोडोमेन। और अगर ऐसा है कि डिफरेंट का सेम, यानी अगर कभी ऐसा आ रहा है कि डिफरेंट एलिमेंट का इमेज किस कितना है, सेम है, तो फंक्शन 1-1 नहीं होगा, नॉट 1-1, फंक्शन 1-1 नहीं होगा बच्चों, इसको अपन मेनी वन बोल सकते हैं। तो हम यहां क्या लिख सकते हैं, हेंस एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर इज नॉट 1-1, ये फंक्शन 1-1 नहीं होगा, फंक्शन बच्चों 1-1 नहीं हुआ। अब चेक करना है, इसको आप लोग साइड में लिख लिया होगा, अब क्या चेक करना है कि फंक्शन ऑन टू प्रूव करना है कि ऑन टू नहीं है, क्या प्रूव करना है आपको कि फंक्शन ऑन टू नहीं है, और ऑन टू प्रूव करना है बच्चों तो हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, अगर ऑन टू प्रूव करना है, अगर ऑन टू फंक्शन प्रूव करना है तो हम लोग क्या ट्राई करते हैं, रेंज निकालते हैं, तो रेंज निकालेंगे ऑन टू प्रूव करने के लिए। चलिए ऑन टू लिखा, एफ एक्स इक्वल टू दिया है मोड ऑफ एक्स, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। चलो बच्चों, आप लोग को पता है मॉडुलस फंक्शन है, तो मॉडुलस फंक्शन का रेंज हम लोग जानते हैं, वी नो दैट मॉडुलस फंक्शन का रेंज जो होता है, रेंज वो जीरो से लेकर के इंफिनिटी होता है, जीरो से लेकर के इंफिनिटी, केवल मतलब पॉजिटिव वैल्यू देगा या तो जीरो देगा। लेकिन यहां गिवन क्या है बच्चों, कोडोमेन हमारा जो गिवन है, कोडोमेन ये गिवन है आपको, वो क्या गिवन है, रियल नंबर, रियल नंबर मतलब माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। यहां क्लियर दिख रहा है कि रेंज जो है वो कोडोमेन का छोटा पार्ट है, हियर क्या दिख रहा है कि रेंज जो है सबसेट है कोडोमेन का। बच्चों ये सब मीनिंग समझ में आना चाहिए कि सेट सबसेट क्या होता है, रेंज जो है सबसेट है कोडोमेन का, इसलिए फंक्शन क्या होगा, fx जो है मोड x इज नॉट ऑन टू, ये ऑन टू भी नहीं होगा, और ये प्रूव हो गया आपका, यहां प्रूव हुआ कि फंक्शन 1-1 नहीं होगा, और यहां प्रूव हुआ फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 4 इस तरह से सॉल्व होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखो जितना भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, एक्सरसाइज को सॉल्व करने में जो काम लग रहा है, वो बेसिक फंक्शन के साथ साथ डेफिनेशन ऑफ 1-1 और ऑन टू
का काम लग रहा है बच्चों, आप ध्यान से देखना, और थ्योरी पढ़ना बहुत जरूरी है। पिछला लेक्चर, इस लेक्चर को समझने के लिए लास्ट दो लेक्चर को देखना बहुत जरूरी है। लास्ट दो या तीन लेक्चर आप जरूर देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है बच्चों कि शो दैट द सिग्नम फंक्शन इज नाइदर 1-1 नॉर 1-2। क्या प्रूव करना है? तो प्रूव सिग्नम फंक्शन इज नाइदर 1-1 नॉर 1-2। अभी तक आप लोगों ने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को प्रूव कर लिया कि वो ना तो 1-1 होता है ना ही 1-2 होता है। मॉडुलस फंक्शन को आपने प्रूव कर लिया कि वो ना तो 1-1 होता है ना ही 1-2 होता है। अब चलते हैं सिग्नम फंक्शन को प्रूव करना है हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 में, कि सिग्नम फंक्शन जो है ना तो 1-1 है ना ही 1-2 है। और सिग्नम फंक्शन कुछ इस तरह से डिफाइन किया गया है बच्चों, एफ एक्स इक्वल टू, आप लोग ऑलरेडी जानते हो कि 1 होगा जब x का वैल्यू, ये जो x है वो पॉजिटिव होगा, 0 होगा जब x का वैल्यू 0 हो जाएगा, और -1 होगा जब x का वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा। ये आप लोग पहले से जानते हैं। तो ये चीज प्रूव करना है, ये आपका सिग्नम फंक्शन है, ये आपका सिग्नम फंक्शन है बच्चों, और प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है ना ही 1-1 है ना ही 1-2 है। देखो बच्चों यहाँ क्लियर दिख रहा है, यहाँ क्लियर दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि f अगर 2 रखें तब भी उसका वैल्यू 1 देगा, f 3 रखें तब भी उसका वैल्यू 1 देगा, f 4 रखें तब भी उसका वैल्यू 1 देगा, एंड सो ऑन। कोई कैसे सर, x का वैल्यू अगर आप पॉजिटिव ले लो, मतलब ग्रेटर देन जीरो, जीरो से बड़ा लिया, तो आउटपुट केवल क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ये दिख रहा है यहां से। तो यहां से क्लियर पता चल जा रहा है। इसी तरह अगर x का वैल्यू नेगेटिव ले लो, जैसे -1, तो भी तब ये क्या देगा, -1 देगा। -2 लो बच्चों, तब भी ये -1 देगा, मतलब x का वैल्यू अगर नेगेटिव ले लेते हो तो आउटपुट जो आएगा वो क्या आएगा, -1 आएगा। तो आप यहां क्या देख रहे हो, यहां से हम लोग को क्लियर पता चल रहा है कि हियर डिफरेंट एलिमेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ डोमेन हैज सेम इमेज। देख रहे हो बहुत सारे डिफरेंट एलिमेंट का डोमेन का सेम इमेज है, सेम इमेज इन कोडोमेन। सो फंक्शन इज नॉट ऑन 1-1 इज नॉट 1-1, ये प्रूव हो गया। अब बात रही क्या चीज प्रूव करने का, ऑन टू प्रूव करने का। अब बच्चों आप लोग जानते हो, नाउ वी नो दैट कि रेंज जो होता है, रेंज ऑफ सिग्नम फंक्शन, रेंज का मतलब आउटपुट, और सिग्नम फंक्शन का जो आउटपुट दिया है वो केवल क्या दिया, 1-0 और -1, मतलब -1, 0 और 1 हो गया रेंज। लेकिन देखो कोडोमेन क्या है फंक्शन का, जो फंक्शन डिफाइंड था ना वो R टू R डिफाइंड था, सिग्नम फंक्शन जो डिफाइंड था बच्चों F R टू R डिफाइंड है, ये फंक्शन R टू R डिफाइंड है। तो यहां से देखो कोडोमेन जो है आपका, कोडोमेन वो ऑल रियल नंबर है। तो आप ये देख लो कि रेंज में केवल -1, 0 और 1 आता है। पहले से भी आपको पता है कि सिग्नम फंक्शन का जो रेंज होता है -1, 0, 1 होता है, लेकिन कोडोमेन जो दे रखा है यहां पर वो R दे रखा है। तो यहां क्या पता चल रहा है बच्चों कि रेंज जो है वो कोडोमेन का सबसेट है, इक्वल नहीं हुआ। अगर इक्वल होता तो 1-2 हो जाता, और रेंज सबसेट है किसका, कोडोमेन का। तो फंक्शन जो है एफ एक्स इज नॉट 1-2, ये 1-2 फंक्शन नहीं होगा, ये 1-2 फंक्शन नहीं होगा, ये प्रूव हो गया, और ये 1-1 नहीं होगा, ये भी प्रूव हो गया। तो आपने देखा क्वेश्चन नंबर 5 में कि जो सिग्नम फंक्शन है वो भी ना तो 1-1 है ना तो 1-2 है, ठीक है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, आप लोग नोट कर लेना, लेकिन अगेन मैं बोल रहा हूं कि ये जो एक्सरसाइज है जो सॉल्व कर रहे हैं, ये लेक्चर्स को देखने से पहले आप इसके पहले का 2 से 3 लेक्चर जरूर देख लीजिए कि 1-1 फंक्शन 1-2 फंक्शन क्या होता है ना बच्चों। केवल छापने से कुछ नहीं होगा, क्वेश्चन चेंज हो जाएगा तो सॉल्व करने का तरीका चेंज हो जाता है। देखो फंक्शन इसलिए डिफिकल्ट कहा जाता है कि फंक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको
जो बेसिक नॉलेज है वो बहुत अच्छे से आना चाहिए और उसको अप्लाई भी करने आना चाहिए। आप देखोगे कि ये 1-1 और 1-2 जो प्रूव कर रहे हैं, इसी में देख सकते हो कि अलग अलग क्वेश्चन को हम लोग अलग अलग तरीके से सॉल्व कर दे रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए ये अलग अलग तरीके मैं कैसे अप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो बेस है वो बहुत अच्छा है, तो अगर आपका बेस भी अच्छा रहेगा तो आप अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो आपको रटना पड़ सकता है। कितना क्वेश्चन रटोगे, कोई जरूरी नहीं कि एनसीईआरटी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाए, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी तो 50% ही रहता है। चलिए स्टूडेंट्स, आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही आसान है। एक सेट दिया है ए और एक बी सेट दिया है। बच्चों एक सेट ए दिया है जिसमें एलिमेंट है 1, 2, 3 और एक सेट बी गिवन है बच्चों 4, 5, 6, 7, ओके। और जो फंक्शन डिफाइंड है वो कुछ इस तरह से 1, 4, 2, 5, 3, 6। ये फंक्शन दिया है कहां से कहां बच्चों, एफ ए टू बी से, ए टू बी मतलब डोमेन ये है, कोडोमेन बी है। प्रूव करना है, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है बच्चों, टू प्रूव एफ जो है एज 1-1। कैसा फंक्शन है, 1-1 फंक्शन। देखो बच्चों इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल होगा। जब भी इस टाइप का, देखो अब ये क्वेश्चन को अलग तरीके से डिफाइंड किया कि जब भी इस तरह से डिस्क्रीट वैल्यू डोमेन और कोडोमेन दिया है और फंक्शन डिफाइंड है इस फॉर्म में, ऑर्डर पेयर के फॉर्म में। फंक्शन कैसा डिफाइन है, ऑर्डर पेयर के फॉर्म में। और अगर फंक्शन ऑर्डर पेयर के फॉर्म में डिफाइन है तो 1-1 प्रूव करना है, तो सबसे अच्छी बात है कि आप एरो डायग्राम बना लो। जैसे ये सेट ये लिया, ये सेट भी ले लिया, ठीक है। एरो डायग्राम, फंक्शन ए टू बी डिफाइंड है, ए टू बी, ए में कौन सा एलिमेंट है 1, 2, 3, बी में कौन सा एलिमेंट है 4, 5, 6, 7, ओके। देखिए बच्चों 1 का जो आउटपुट है, ये इनपुट हो गया, वो आउटपुट हो गया, तो 1 का आउटपुट 4 मिला देते हैं, 2 का 5 मिला दिया, 3 का 6 मिला दिया। तो यहां पर क्या दिख रहा है, यहां पर हम लोग को दिख रहा है बच्चों कि डोमेन के अलग अलग एलिमेंट का इमेज अलग अलग है कोडोमेन में, इसलिए फंक्शन 1-1 होगा। बस इतना लिख देना है आपको। तो हियर डिफरेंट एलिमेंट, different element of domain has different image in codomain, hence f is 1-1। और इसलिए क्या होगा, 1-1। डिफरेंट का डिफरेंट इमेज, डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट इमेज है, इसलिए फंक्शन 1-1 हो गया। अगर डिफरेंट का सेम आता, अभी तक लास्ट 3 क्वेश्चन में आप लोगों ने देखा कि ये एरो जो आ रहा था ना वो एक ही पॉइंट पे मिल जा रहा था, मतलब मैनी टू वन हो जा रहा था, लेकिन यहां पर डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट इमेज है, इसलिए फंक्शन 1-1 होगा। और बच्चों ये प्रूव हो गया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें दो क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि जो गिवन फंक्शन है वो बाइजेक्टिव है या नहीं, चेक करना है, चेक बाइजेक्टिविटी। यहां क्वेश्चन क्या है, बाइजेक्टिविटी चेक करना है। बाइजेक्टिविटी का मतलब 1-1, 1-2 होगा या नहीं होगा। इसमें बच्चों पहला जो फंक्शन दिया है वो डिफाइंड है एफ आर टू आर, ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू 3-4x। चेक करना है कि ये गिवन फंक्शन 1-1 और 1-2 दोनों है या नहीं है। देखो बच्चों बहुत ही आसान है इसको सॉल्व करना। सबसे पहले चेक करते हैं 1-1, तो फंक्शन गिवन है fx इक्वल टू 3-4x। चलो देखते हैं इस फंक्शन का डोमेन क्या है। डोमेन ये वाला डोमेन होता है, आप लोगों को पता है, और ये क्या होता है, कोडोमेन, ये कोडोमेन होता है। तो जो फंक्शन का डोमेन है वो रियल नंबर है, मतलब x का वैल्यू रियल नंबर है। और जब बताया था बच्चों अगर कोई फंक्शन दिया है और एक्स का जो एक्स है, जो डोमेन है, वो सेट ऑफ रियल नंबर है, तो 1-1 चेक करने के लिए हम लोग क्या लेके चलते हैं, एफ एक्स 1 बराबर एफ एक्स 2 लेकर चलते हैं। यहां पर x1 और x2 होगा
जैसे यहाँ x है तो x का वैल्यू रियल नंबर है, तो यहाँ x1 और x2 किससे बिलोंग करेगा बच्चों, ये भी रियल नंबर से बिलोंग करेगा, ये भी हम लोग जो x1 और x2 माने हैं वो रियल नंबर ही है। चलो यहाँ एफ एक्स है तो 3 माइनस 4 एक्स है, एफ एक्स वन तो 3 माइनस 4 एक्स वन होगा, यहाँ एक्स टू है तो 3 माइनस 4 एक्स टू होगा, ये 3 से 3 उड़ गया तो माइनस 4 एक्स वन बराबर बच्चों क्या हो गया माइनस 4 इंटू एक्स टू। दिस इंप्लाई दैट माइनस माइनस कैंसल और माइनस 4 भी कैंसल, और ये बच्चों आ गया एक्स वन बराबर एक्स टू। अगर हम लोग लेके चल रहे हैं एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू और आ जाता है x1 बराबर x2, तो इसका मतलब फंक्शन जो है एफ एच वन वन ये वन वन हो गया है ना। ये तरीका बताया था कि अगर डोमेन रियल नंबर होता है तो वन वन चेक करने के लिए हम लोग एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू लेते हैं। फिर से मैं बोल रहा हूँ बच्चों, इस लेक्चर को समझने के लिए लास्ट जो प्रीवियस 3 लेक्चर्स हैं उसको जरूर देखिए ताकि आपको पता चले कि कौन सा मेथड से कब सॉल्व करना चाहिए। वैसे मैं बता दे रहा हूँ कि अगर डोमेन रियल नंबर रहा तो वन वन चेक करना है, तो एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू लेके चलिए, और एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू लिया और सॉल्व करके एक्स वन बराबर एक्स टू आ गया तो फंक्शन वन वन हो जाएगा, और बराबर नहीं आया तो फंक्शन वन वन नहीं होगा। ठीक है, ये चीज आपको सिखाया गया है। अब अपन चेक करते हैं ऑन टू। ऑन टू चेक करने के लिए बच्चों हम लोग को रेंज निकालना पड़ता है, तो रेंज भी निकालने का वही तरीका, कैसे रेंज निकालते हैं अगर ये सीखना है आपको तो जो हमारा वीडियो अपलोडेड है रेंज ऑफ फंक्शन का उसको जा करके देखिए, आपको पता चलेगा कि जब डोमेन रियल नंबर होता है तो रेंज निकालने के लिए हम लोग फंक्शन को एफ एक्स को वाई मानते हैं, और एफ एक्स है 3 माइनस 4 एक्स, यहां से माइनस 4 एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं वाई माइनस 3, ये प्लस 3 इधर आया, और एक्स इक्वल टू वाई माइनस 3 डिवाइडेड बाय माइनस 4। तो हम लोग क्या करते हैं एफ एक्स इक्वल टू वाई लेते हैं और सिंप्लीफाई करके एक्स का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वाई निकालते हैं। अब देखो बच्चों यहाँ वाई का वैल्यू कुछ भी रखेंगे एक्स डिफाइंड होगा, तो यहाँ क्या पता चल रहा है कि रेंज जो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि हियर वाई बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, और वाई के वैल्यू को ही हम लोग रेंज बोलते हैं। तो रेंज कितना आ गया बच्चों, सेट ऑफ रियल नंबर है। चलो कोडोमेन किसका कितना है, इसका रियल नंबर है, तो ये जो रेंज आया वो किसके इक्वल आ गया, कोडोमेन के इक्वल, और रेंज कोडोमेन के इक्वल हो गया, रेंज कोडोमेन के इक्वल हो गया, रेंज किसके इक्वल हो गया, कोडोमेन के इक्वल हो गया। इसका मतलब फंक्शन जो है ऑन टू भी है, और बच्चों ये इसको वन मान लीजिए इसको टू मान लीजिए, अगर फंक्शन वन वन और ऑन टू दोनों है तो बायजेक्टिव होगा फ्रॉम वन एंड टू। अगर फंक्शन वन वन एंड ऑन टू दोनों है तो फंक्शन क्या होगा, एफ इज बायजेक्टिव, तो ये फंक्शन बायजेक्टिव हुआ। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर इसका सेकेंड पार्ट आपको अपने से सॉल्व करना है, इसी तरीके से सॉल्व करोगे, ठीक है, वैसे सॉल्व किया हुआ है तो आप सेकेंड नंबर इसका सेकेंड पार्ट खुद सॉल्व करिएगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 और 9 आप ट्राई कर लेना, अगर नहीं सॉल्व होता है तो बताइएगा, सॉल्व हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आपका होमवर्क रहा। वैसे आसान है, वो सॉल्व करने आना चाहिए आपको, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 सॉल्व करना है अपने से आपको, ये आपका होमवर्क है। नहीं सॉल्व होगा देन व्हाट्सएप मैं सॉल्व करके सेंड कर दूंगा, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चन नंबर 10 पे चल रहा हूँ, ये एक्सरसाइज आपको खत्म करना है बच्चों, बस क्वेश्चन नंबर 10 ही बचा है, तो क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है बच्चों कि फंक्शन जो डिफाइंड है a टू b डिफाइंड है, और क्या है फंक्शन, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाय एक्स माइनस थ्री। चेक करना है कि यह फंक्शन वन वन है या वन टू है, चेक करना है। अच्छा बच्चों यहां पर जो a का वैल्यू है ना वो सारे रियल नंबर माइनस थ्री है, और b जो है ये b वो ऑल रियल नंबर माइनस वन है। हम लोग को चेक करना है बच्चों कि ये फंक्शन वन वन है या नहीं है, ऑन टू है या नहीं है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं वन वन सॉल्यूशन, वन वन देखो है या नहीं है। तो बच्चों अगर डोमेन देखो एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया है, एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाय एक्स माइनस थ्री,
जो डोमेन है वो ये है, ये मतलब आर माइनस थ्री। तो एक्स का वैल्यू जो है बच्चों बिलोंग कर रहा है सारा रियल नंबर लेकिन थ्री को छोड़कर। फिर से मैं बता रहा हूं कि अगर डोमेन रियल नंबर या तो रियल नंबर माइनस कुछ है तो वन वन चेक करने के लिए आप क्या कंसिडर करोगे, एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू सच दैट एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू ए। एक्स वन और एक्स टू क्या होगा, जो एक्स है, एक्स क्या है आर माइनस थ्री, तो आर माइनस थ्री ही होगा एक्स वन एक्स टू। अब बच्चों ये एफ एक्स वन का वैल्यू यहां से क्या हो जाएगा, एक्स वन माइनस टू डिवाइडेड बाय एक्स वन माइनस थ्री, मतलब एक्स के जगह एक्स वन रखिए, एफ एक्स टू अब एक्स के जगह एक्स टू रख दो, एक्स टू माइनस टू डिवाइडेड बाय एक्स टू माइनस थ्री। इसको सिंप्लीफाई करिए, कैसे सिंप्लीफाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वन माइनस टू इंटू एक्स टू माइनस थ्री, इधर मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वन माइनस थ्री इंटू एक्स टू माइनस टू, मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों एक्स वन एक्स टू आएगा माइनस टू एक्स टू आएगा माइनस थ्री एक्स वन होगा और प्लस सिक्स हो जाएगा। इधर मल्टीप्लाई करो एक्स वन एक्स टू माइनस थ्री एक्स टू माइनस टू एक्स वन प्लस सिक्स, एक्स वन एक्स टू इधर से कट गया, सिक्स सिक्स कट गया बच्चों। अब देखो जो थ्री एक्स टू है उसको इधर लाएंगे तो इधर माइनस टू एक्स टू पहले से था, ये माइनस थ्री एक्स टू इधर आएगा प्लस थ्री एक्स टू। इसी तरह माइनस थ्री एक्स वन को राइट साइड ले जाएंगे तो प्लस थ्री एक्स वन हो जाएगा और माइनस टू एक्स वन। यहां से देखो थ्री एक्स टू माइनस टू एक्स टू इज एक्स टू और यहाँ क्या है एक्स वन, तो एक्स टू और एक्स वन बराबर हो गए, इसका मतलब हेंस एफ इज वन वन, ये वन वन फंक्शन हुआ बच्चों। अब आपको क्या चेक करना है, ऑन टू चेक करना है, ये फंक्शन ऑन टू है या नहीं, तो वन वन हो गया आप कॉपी कर लेना। अब बच्चों चेक करते हैं कि गिवन फंक्शन ऑन टू है या नहीं है, चेक किया जाए गिवन फंक्शन ऑन टू है या नहीं है। ऑन टू फंक्शन के लिए हम लोग को रेंज निकालना पड़ेगा, तो गिवन फंक्शन बच्चों एक्स टू माइनस एक्स माइनस टू डिवाइड बाई एक्स माइनस थ्री है और जो हमारा डोमेन है वो ऑल रियल नंबर माइनस थ्री है, और अगर डोमेन ऑल रियल नंबर माइनस थ्री या ऑल रियल नंबर माइनस समथिंग है तो रेंज निकालने के लिए हम लोग गिवन फंक्शन को वाई मानेंगे, इसको वाई मान लिया। अब गिवन फंक्शन क्या है, एफ एक्स के जगह इसका वैल्यू रखो, जो एफ एक्स का वैल्यू उसको रख दिया, ये रखा, इसको सिंप्लीफाई करके यहां से हम लोग एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आगे एक्स माइनस टू इंटू वाई, एक्स माइनस टू बराबर वाई इंटू एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस टू इक्वल टू वाई एक्स माइनस थ्री वाई। हम लोग को एक्स वैल्यू निकालना है, एक्स निकालना है तो एक्स वाले टर्म्स को एक तरफ ले आते हैं, तो एक्स वाले टर्म को बाएं साइड लाते हैं, तो एक्स ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में और ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में। चलिए आगे क्या होगा, देखो यहां से एक्स कॉमन आ जा रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है तो वन माइनस वाई दिख रहा है आपको और टू माइनस थ्री वाई, तो एक्स का वैल्यू जो आया बच्चों टू माइनस थ्री वाई डिवाइडेड बाय वन माइनस वाई, एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई आ गया। आप सभी लोग जानते हो कि रेंज निकालने के लिए हम लोग यही काम करते हैं। अब यहां पर डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा, सभी लोग जानते हो डिनोमिनेटर जीरो नहीं होता है, तो वाई का वैल्यू वन नहीं होगा, इसका मतलब रेंज क्या हो गया, सारे रियल नंबर लेकिन वन नहीं आएगा क्योंकि वाई का वैल्यू वन नहीं हो सकता, तो रेंज जो आया बच्चों वो आर माइनस वन आया। चलिए देखते हैं कोडोमेन क्या है, यहां फंक्शन का जो कोडोमेन गिवन है, कोडोमेन वो कोडोमेन क्या है बच्चों, बी सेट बी है और सेट बी क्या है ऑल रियल नंबर माइनस वन, तो यहां जो रेंज आया वही कोडोमेन है, जो रेंज आया वो कोडोमेन के इक्वल आ गया, तो यहां पर क्या दिख रहा है बच्चों कि रेंज जो है वो कोडोमेन के इक्वल है, और रेंज कोडोमेन के इक्वल हो गया तो फंक्शन जो है एफ इज ऑन टू हो जाएगा, फंक्शन क्या हो जाएगा ऑन टू हो जाएगा। तो बच्चों ये जो 10 नंबर का था इसमें चेक करना था कि फंक्शन 1-1 और ऑन टू है या नहीं है, तो हमने देखा कि 1-1 भी है और ये फंक्शन ऑन टू भी है, तो एक तरह से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखोगे जैक बोर्ड वाले स्टूडेंट, ये क्वेश्चन एक दो बार आया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 भी है जो आप खुद से कर लेना क्योंकि चेक करना है इसमें वही चीज 1-1 और ऑन टू। चलो मैं इन शॉर्ट में आपको बता देता हूं, नहीं फिर से आप पूछोगे।
11 नंबर में जो फंक्शन डिफाइंड है वो r टू r है और फंक्शन दिया है fx equal to x to power 4। देखो बच्चों ये फंक्शन तो, ये जो फंक्शन है वो 1-1 तो नहीं है, 1-1 इसलिए नहीं है कि x का वैल्यू -1 लोगे तो 1 आएगा और +1 भी लेगा x का वैल्यू तब भी आएगा, तो ये 1-1 नहीं है, ये 1-1 नहीं है, डायरेक्ट चेक हो गया, ऑप्शन वाला है तो ये 1-1 नहीं है, ये 1-2 भी नहीं है क्योंकि x का पावर इवन है और इवन पावर है तो आउटपुट हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी रेंज केवल पॉजिटिव आएगा लेकिन कोडोमेन क्या है, सारे रियल नंबर है, तो ये 1-2 भी नहीं होगा, तो ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर, f इज नाइदर 1-1 नोर 1-2, ऑप्शन नंबर 4 सही है, मतलब डी ऑप्शन इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में जो फंक्शन गिवन है f r टू r और fx इक्वल टू गिवन है बच्चों 3x, क्लियर है ये 1-1 हो जाएगा, ये 1-1 होगा और ये 1-2 भी हो जाएगा बच्चों, 1-2 भी हो जाएगा, ये 1-1 और 1-2 दोनों होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 1.2 फिनिश होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फंक्शन में पढ़ने वाले हैं बच्चों कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, यानी एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन अगर चला जाता है तो उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स वेट फॉर नेक्स्ट लेक्चर, और अगेन मैं बोल रहा हूँ कि मैथमेटिक्स को एक सीक्वेंस में ही पढ़ना चाहिए अगर मैथ्स को बढ़िया से समझना है आपको। तो बच्चों आप फंक्शन पढ़ रहे हो, तो जो बच्चे फंक्शन नहीं स्टार्ट किए पढ़ना वो एकदम स्टार्टिंग वीडियो से देखना स्टार्ट करिए, ठीक है। चलो बच्चों थैंक यू।